subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. तुम बताओ, तुम्हारी तरफ सब खैरियत है? जफर से बात हुई थी मेरी, काफी नाराज लग रहा था, तब खैर तो है ना? नहीं अम्मी, दरअसल घर में है काफी टेंशन। वो एमन, हाँ हाँ करो बदनाम हमें पूरे मोहल्ले में, अखबारों में इश्तहार डलवा दो कि एमन घर से भाग गई है। अभी मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी। चुप करो, मैंने अपने कानों से सुना है कि तुम अपनी अम्मी से एमन के बारे में बात कर रही थी। आने दो सफर को, देखना अगर आज तुम्हें ना पिटवाया ना तो मेरा नाम भी परवीन नहीं। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। पहले तो मेरी भोली भाली बच्ची को उल्टी सीधी पटिया पड़ा के भगा दिया, अब पूरे मोहल्ले में हमें बदनाम करना चाहती हो? हाँ आने दो जफर को, इसकी बीवी ना बहुत आगे बढ़ गई है। मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया, उसे किसने कहा ये? झूठ मत बोलो, अभी भाभी ने बताया मुझे। मेरा यकीन करें, मैंने किसी से कोई बात नहीं कही। जब आप मुझे मना कर ही चुके थे तो फिर मैं ऐसी हरकत क्यों करूंगी? भाभी, भाभी इधर आए। हाँ सफर। बताया इसे, आपने खुद सुना था ना? हाँ मैंने खुद सुना था, लेकिन भाभी मैंने तो सिर्फ अम्मी से बात की थी, उस बारे में तो उन्हें कुछ नहीं बताया था मैंने। तो क्या मेरे कान बज रहे हैं? मैंने खुद अपने कानों से सुना था तुम एमन के बारे में बात कर रही थी। मैंने एमन का नाम जरूर लिया था, लेकिन ये कहा था कि एमन के वालिद की तबीयत खराब है। मेरा यकीन करें, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। तौबा तौबा तौबा, जफर देखा अपनी बीवी को कैसे मुझे मुंह पे झुटला रही है? मैं जानती हूँ तुम्हारी ड्रामेबाजियां, ऐसी ड्रामेबाजियां करके तुम मेरा घर नहीं तोड़ सकोगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और जफर अपनी बेटी को ना इसके साय से भी दूर रखना। मुझसे किसी की भी कसम ले ले, जो घर की बात थी वो मैंने घर में ही रखी है, किसी से नहीं कही है।